इन दिनों वर्ल्ड कप चल रहा है और पूरे देश में इस क्रिकेट वर्ल्ड कप का बुखार चढ़ा हुआ है। आपने इसी दौरान टीवी में अगर देखा होगा और गौर किया होगा तो एक प्रचार प्रसार कप्तान से लेकर बॉलर तक और बैट्समैन से लेकर फील्डर तक करते नजर आ रहे हैं, और यहां तक कि वो तो इंडिया की अब जर्सी पर भी चढ़ चुका है। जी हाँ, ये कुछ ऐप हैं जिनमें से एक का नाम है ड्रीम इलेवन, और इसी ड्रीम इलेवन खेलने के चक्कर में एक दारोगा जी की नौकरी मुश्किल में है। हालांकि वो दारोगा जी करोड़पति बन चुके हैं, लेकिन उनकी नौकरी पर आ गई है। क्या है पूरा मामला, मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप द्विवेदी, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। दरअसल महाराष्ट्र के पुणे में रहने वाले पिंपरी चिचवड़ क्षेत्र के एक दारोगा जिनका नाम है सोमनाथ जेड़े, वो क्रिकेट खेलने के और क्रिकेट देखने के शौकीन हैं। वर्ल्ड कप 2023 में उन्होंने अपनी किस्मत चमकाने की कोशिश की। पुलिसकर्मी ने ग्रैंड लीग प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने के बाद फैंटेसी मंच ड्रीम इलेवन में एक गेम खेला और उनको पुरस्कार के रूप में 1.5 करोड़ रुपए मिले। यानी एक गेम में टीम बनाई और उसके बाद 1.5 करोड़ जीत गए। रकम जीतने पर जेंडे ने अपने लोन और अन्य देनदारियों के भुगतान को लेकर उन्होंने दावा किया कि वो इससे वो सब पूरा कर डालेंगे। इस इनाम जीतने की खबर जैसे ही उनके अधिकारियों की लगी, उनके कान खड़े हो गए। दरअसल उन पर आरोप है कि उन्होंने ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरती और ये गेम यानी ऐप वाले गेम खेलने में व्यस्त रहे। ऐसे में उन पर कार्रवाई बनती है, और यही कार्रवाई करते करते उनको फिलहाल तो निलंबित कर दिया गया है, लेकिन विभागीय जांच चल रही है और माना जा रहा है और इस बात की आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है उनका नौकरी से निकलना तय है, यानी बर्खास्त किया जा सकता है। दरअसल मुश्किल केवल इतनी नहीं, जेंडे जब इनाम जीते बेहद खुश हुए, लेकिन उनके ऊपर सिर्फ 2 लाख रुपए निकालने का पात्र निकले हैं, विशेष रूप से सरकारी नौकरी और नियमों के अनुसार, क्योंकि जितनी भी वो पैसा निकाल सकते हैं उसकी जानकारी उन्हें सरकार को देनी होती है, और ऐसे में वो 2 लाख से ज़्यादा एक दिन में नहीं निकाल सकते। दरअसल इसकी परेशानी एक और भी है। तमाम लोग इस बात की निंदा कर रहे हैं कि ये खेल एक नशा है और पुलिसकर्मी को ऐसा नशा नहीं करना चाहिए। इसको लेकर के जेंडे ने एक जवाब देते हुए कहा है कि ड्रीम इलेवन खेलते समय वो न सिर्फ अपनी शिफ्ट पूरी होने के बाद ही खेलते थे, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ड्रीम इलेवन खेलने के लिए कानूनी सीमाओं के भीतर ही थे, यानी उन्होंने कोई ट्रेस पासिंग नहीं की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी ऐसे गेम्स की अनुमति दे चुका है और उन्हें दर्जा मिला हुआ है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर महाराष्ट्र सरकार सतर्क हो गई। वहीं पुणे मिरर की एक खबर के मुताबिक जेने ने कहा है कि मुझे इस ऑनलाइन गेम के बारे में टेलीविजन विज्ञापन के जरिए पता चला। इस गेम को खेलने के खिलाफ कोई विशेष प्रतिबंध या कानून नहीं है और मैंने इसे केवल अपने ऑफ ड्यूटी के दौरान खेला। ये पहली बार जब मुझे इतना बड़ा इनाम मिला है। इससे पहले वो छोटे छोटे इनाम जीतते रहते थे, लेकिन अब उन्हें 1.5 करोड़ रुपए का एक जैकपॉट लग गया है। इसके अलावा लोग फिर भी जेंडे की प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं है और सवाल उठा रहे हैं। लोगों ने जेंडे को एक जुआ खेलने वाले खेल का बढ़ावा देने वाली बात कही है और उनके ऊपर आरोप लगाए हैं कि फैंटेसी खेल कौशल का खेल नहीं है, ये एक अवैध रूप से जुआ है। वहीं पुलिसकर्मी की जीत के तर्क से राजनेता भी अब बयानबाजी करने लगे हैं। बीजेपी के अमोल थोराट ने जेंडे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा है कि ड्यूटी पर मोबाइल का इस्तेमाल करना नैतिकता के खिलाफ है। थोराट ने आगे ये भी आरोप लगाया है कि जेंडे स्पष्ट रूप से जुए को बढ़ावा दे रहे थे, जो कि उनके और उनके विभाग के कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्धता को खराब रोशनी में रखता है, यानी उनकी छवि को खराब करता है, लेकिन इसके कारण उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। इस बात की आशंका भी बढ़ गई है, क्योंकि नियमों का उल्लंघन करने और पुलिस विभाग को बदनाम करने के आरोप में महाराष्ट्र पुलिस विभाग ने उन्हें निलंबित कर दिया है, साथ ही जांच बैठाई दी है। SI सोमनाथ जेंडे महाराष्ट्र के पिपरी चिंचवड़ पुलिस कमिश्नरेट में कार्यरत हैं और इस महीने की 10 तारीख को वो ड्यूटी पर थे, और इसी दौरान इंग्लैंड और बांग्लादेश का मैच चल रहा था जिसमें उन्होंने सट्टेबाजी के ऐप ड्रीम इलेवन पर टीम बनाई थी और उसमें हिस्सा लिया था। इसी में उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए जीते, लेकिन उनकी खुशी ज़्यादा देर नहीं टिक पाई और फैंटेसी गेम के चलते उनकी अब नौकरी खतरे में आ चुकी है। वहीं उनके परिवार और
दोस्त खुश हैं, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई, क्योंकि अब न सिर्फ वो सरकार के निशाने पर हैं, बल्कि अधिकारियों को भी उन्हें जवाब देना पड़ रहा है। अब निलंबन की अवधि कितनी लंबी रहेगी और क्या वो इस पूरी राशि का लाभ उठा पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।